आश्रितो हिवक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुंजाम पुण्यारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरा उद्धव स्थिति संहार कारणिं क्लेशहारिं सात्श्रेयस्करिं सीताम तो हम राम वल्लभाम यन माया वशपतिं विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा श्री राम 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 जय सीता राम श्री राम चरित मानस तृतीय सोपान श्री अयोध्याकांड यस्यांगे च विभाति भूदर्शिता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च करलं यशस्यरसी व्यालराट सोयं बोधि विभूषणं सर्वरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकरः पातु माम् प्रसन्नतां यानगताभिके ततस्थानमम्ले वानवाशदुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु श्यामण्डलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुज श्यामकोमलाङ्गं सीतासमारामकृतवाम भागं पावो महाशायक चारुचापं श्रीराम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवांशनाथम श्री गुरुचरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। काशी द्रास काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल कॉम ब्लॉग काशी पुत्र पर। भारी मात्रा में सत्य सनातनी इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कौम ब्लॉग काशी पुत्र को नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय नमः। एक महत्वपूर्ण मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह स्वयं में सिद्ध मंत्र अनंत काल तक आपको फल देने वाला और माता लक्ष्मी की महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। गणेश जी का मुख हमेशा एक पूर्व दिशा की तरफ जो कि आपकी सुख संपत्ति और संपन्नता को बढ़ाता चलेगा और गणेश लक्ष्मी जी का मुख आप उत्तर दक्षिण पूर्व की तरफ करें या पूर्व की तरफ करें। अनंत प्रकाश अनंत जो समृद्धि आपके घर में स्वतः ही खींची चली आएगी। बहुत से लोग गणेश जी की पीठ रख देते हैं पूर्व की तरफ जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता, लेकिन पूजन का पूरा फल मिलेगा जब आप पूर्व की तरफ गणेश जी हो यानी पश्चिम की तरफ मंदिर बनाया तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। पूर्व की तरफ गणेश जी ताकेंगे। आप अगर पूर्व की तरफ पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके देव भी तो ताकने चाहिए पूर्व की तरफ। देव साक्षात सूर्य देव अगर देख रहे हैं तो गणपति जी भी उनको देखेंगे। इससे आपका यश तपोबल धन की वृद्धि होगी और महालक्ष्मी सदैव उस पर कृपा करती हैं जो नारायण के ध्यान में रहता है और नारायण के अवतार के ध्यान में रहता है। चरण सिरे नाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बसे गए लखन जह जानकी नाथु
बेमना मुदित पाई प्रिय साधु बंदी राम सिय चरण सुहाई। चले संग नृप मंदिर आए कहि परस पर पुर नर नारी। बलि बनाई विधि बात बिगारी तन कृषि मन दुख बतन मलीने। बिकल मनहु माची मधुछीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जाहि सिलु धुनि पछिताहि जनु बिनु पंख बिहरा कुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा बरन जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं कि मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचि उठाई राव बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनयनि हारी व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। किसी सहित सुत सुबग दो देखी देखी कुलाई। बार ही बार स्नेह बस राउली। राजा दशरथ की मन की है बात सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और सिरे बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं कि सकई न बोली विकल न नाव शोक जनित उदार उन्दाव। ना इसी सुपद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा सब मांगा। कि राजा व्याकुल है बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा कर विदा मांगी कि पितु आशीष आय सुमोहि दीजिए। हरस समय विषमौ कत कीजिए तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाई हुई अपबादु। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए कि हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। ये तात प्रिय के प्रेम बस प्रसाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। कि सुनी सने बासे उठी नारे नाहा बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कही राम चराचरे नायक अहिया। सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को पांव पकड़कर उन्हें बैठा लिया, कहा कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। श्री राम जो है चराचर के स्वामी हैं। तो श्री राम का चरित्र जो गाता है अनंत यश अनंत बल अनंत वैभव और अनंत समृद्धि को पाता है। जिस प्रकार नारायण की भक्ति करने से स्वयं माता महालक्ष्मी आपके ऊपर अपार कृपा करती हैं, उसी प्रकार नारायण के ही और विष्णु जी के ही रूप श्री राम अवतार जो हैं ये अनंत फलदायी हैं और सदैव इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है कमल गट्टे का और कमल का फूल और पुष्प आप अर्पित करें और इसको एकदम सिर नवा कर बहुत ही स्वच्छ मन से हमेशा आप पूजन करें। इसको पूजते रहें जो कमल गट्टा कोई हीरे से भी शक्तिशाली और महंगा ये माणिक्य है जो कि महत्व रखता है हमारे पूजा पाठ में और हमारे सनातन संस्कृति।
माता लक्ष्मी को इत्र जरूर चढ़ाए और देव प्रसन्न होते हैं इत्र से और गणेश जी के चरणों में हम धूप चढ़ाएंगे और उनके मस्तक पर भी धूप चढ़ाएंगे। जो श्री गणेश के मस्तक पर धूप चढ़ाता है वो अनंत काल तक गणेश जी का हाथ उसके ऊपर स्वतः बना रहता है और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। माता भगवती की प्रार्थना करें, पंच देवों की आराधना करें, पंच देव जो हमारे प्रारंभिक हैं उनकी आराधना जरूर करें। और श्री रामचरित मानस करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक जिसके यश गान होते रहते हैं, जो राम का गान करता है उसके गान चारों तरफ फैल जाते हैं। फल हृदया पिचारी करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति सब कोई सुवर सुख कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं कि और करे अपराध को और पाव फल हो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो हो। क्या अच्छी बात कही गई है कि किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। श्री राम का हमेशा चरित्र गान करें और श्री राम के चरित्र गान में सदैव अपना मन लगाएं और हमेशा से ही श्री राम की आप बातें करें, श्री राम के चरित्र गाएं। हमें अयोध्या कांड का बहुत ही रोचक, राय राम राखन हित लाग बहुत उपाय किए छलु त्याग, लगी राम रुख राधन जानी धर्म दुरंदर दीरा सयाने राम राम जय। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निरपत सियल आयु रलीनी अति हित बहुत भात सिख दीनी, कई बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया, बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसा दुख बढ़ाता कर सुनाए कि फिर सास ससुर पिता के पास रहने के सुख को समझाया। कहा कि सिय मनु राम चरण अनुरागा घर न सुगम बन विषम न लागा, और सब ही सिय समझाई कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। और फिर सब लोग ने भी वन विपत्तियों की दिक्कत बता बता कर सीता जी को समझाया और कहा कि सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह कहे मृदुबानी, तुम कहो तौन दीन बनवासु करो जो कहे ससुर गुरु सासु की मंत्री सुमंत्र ये की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल बाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है।